इस वक्त सीएम एकनाथ शिंदे इस घटना पर बोल रहे हैं। बनाए रखने का रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, यहाँ पे मुंबई में एक 18 साल की युवती के साथ हॉस्टल में सर जिस तरह से मर्डर करके रेप किया गया, किस तरह से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और संबंधित जो जिसके ऊपर शक है उसने भी सुसाइड किया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और इसके ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, एका मुलीचा मृत्यू झालेला आहे, पुलिस तपास सुरू आहे आणि त्यामध्ये जे दोषी असतील त्याची चौकशी केली। सीएम एकनाथ शिंदे ये जानकारी देते हुए कि जिन लोगों ने ये व्हाट्सएप स्टेटस की शुरुआत करी उन्हें आइडेंटिफाई यानी कि उनकी पहचान कर ली गई है और इस वक्त स्थिति को नियंत्रण या फिर काबू में करने की कोशिश की जा रही है। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, एक बेहद महत्वपूर्ण बात यहां पर शिंदे साहब कहते हुए वो ये कि जिस शख्स ने इसकी शुरुआत की दरअसल उसने सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर ली, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी नहीं, देखिए ये जो मुख्यमंत्री बता रहे थे ये अलग मामले के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक रेप का मामला हुआ है मुंबई के एक गर्ल्स हॉस्टल में। उस वहां पर एक वॉचमैन ने जो है वो आत्महत्या की है, लेकिन मैं आपको अगर कोल्हापुर की बात बताऊं तो कोल्हापुर के बारे में सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो कोई ये नाबालिग लड़के थे उनकी जांच फिलहाल शुरू है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इतना ही नहीं, एफआईआर भी दर्ज किया गया है और धाराएं लगाकर अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि नाबालिग लड़कों ने, वो भी तीन तीन नाबालिग लड़कों ने, एक ही समय पर इस तरह के स्टेटसेस क्यों रखे, क्या किसी ने उनको ये स्टेटस रखने के लिए कहा गया था, क्या वो किसी दबाव में थे या जानबूझकर जो है दो समुदाय के बीच भावनाओं को ठेस पहुंचे इस प्रकार इस तरह की कृति की गई है। इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रहे हैं और खुद राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और खुद डीजी भी इस मामले में जो है खुद से जो है पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में जो है सच्चाई सामने आने की संभावना है क्योंकि पुलिस अभी इस बारे में पूरी तफ्तीश कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, ऑटो को क्षतिग्रस्त किया गया है, वहां पर उपद्रवियों ने एक साथ एकजुट होकर इस पूरे पथराव को अंजाम दिया है जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। कोल्हापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर औरंगजेब पर व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर पूरा बवाल भड़का है। पुलिस वाले इस वक्त बल प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वहां उपद्रवी मौजूद थे। हालांकि ये कहा गया था कि कोई भी यहां पर मौजूद ना रहे, इसके बावजूद पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए और इसी घटना को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस तक के गोले छोड़ने पड़े। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त कोल्हापुर में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरा बवाल दरअसल व्हाट्सएप स्टेटस जो कि औरंगजेब को लेकर लगाया गया था शुरू हुआ, दो समुदाय के बीच झड़प हुई, उसके बाद तोड़फोड़ की गई, पत्थर बरसाए गए और अब कोल्हापुर दरअसल सन्नाटे में है क्योंकि यहां पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्ती से निपटा जा रहा है उन उपद्रवियों से जो पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। आज कोल्हापुर बंद का आह्वान किया गया है और इस बीच चार तस्वीरें आप देखिए कैसे सड़क पर हिंदू संगठनों ने धरना दिया है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा है, इसके साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है।